Hey, what's up guys? Welcome back to Movie Sun. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हॉलीवुड की बनी कुछ एडवेंचर मैजिकल और सम काइंड ऑफ एक्शन मूवीज को जिन्हें आप यूट्यूब पर फ्री वॉच कर सकते हैं। ये सभी मूवीज काफी ज्यादा कमाल की होगी जिनके अंदर आपको एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी भरी चीजें देखने को मिल सकती है और सभी मूवीज के लिंक मैंने हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखी है। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपसे हो सके तो आप इन मूवीज को जल्द से जल्द यूट्यूब पर देख लीजिएगा बिकॉज ये मूवीज कभी भी यूट्यूब से डिलीट हो सकती है। सो बिना किसी देरी के चलिए इस अमेजिंग लिस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी इस लिस्ट की पहली मूवी की तरफ जिसका नाम है सेवन सन। 2014 की बनी फैंटेसी एडवेंचर बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगी एक तांत्रिक की कहानी जिसकी कैद से खतरनाक चुड़ैल आज़ाद हो चुकी है और वो आज़ाद होने के बाद अपने सभी साथियों को इकट्ठा कर रही है ताकि वो इंसानियत को मिटा के इस पूरी दुनिया के अंदर कब्जा कर सके और उस खतरनाक चुड़ैल को रोकने के लिए उस तांत्रिक को सेवन सन की जरूरत है। अब आगे स्टोरी क्या होती है यह जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देखिए जो कि आपको प्ले लिस्ट के थ्रू यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपसे हो सके तो आप इस मूवी को डाउनलोड करके देखिए। तो बढ़ते दोस्तों हमारी अगली मूवी की तरफ जिसका नाम है नोहा। 2014 की बनी एक ड्रामा फिल्म है जो कि आई थी 5.8 की रेटिंग के साथ। इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा अच्छी है। कहानी आपको देखने को मिलेगी नोहा नाम के एक आदमी की जिसे गॉड ये सपना दिखाता है कि वो पानी की मदद से इस पूरी दुनिया को बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं और इसीलिए नोहा एक बहुत बड़ी जहाज बनाने की कोशिश करता है ताकि वो हर प्रजाति को बचा सके लेकिन बिना इंसानों को छोड़कर क्योंकि ये गॉड का आदेश है। अब इसके बाद की अमेजिंग स्टोरी को जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। काफी ज्यादा कमाल की फिल्म है। तो दोस्तों बढ़ते नंबर 8 मूवी की तरफ जिसका नाम है द हंट्समैन एंड द विंटर वॉर। 2016 की बनी एक फैंटेसी एडवेंचर बेस्ड मूवी है। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें कहानी रवीना नाम की क्वीन की देखने को मिलती है जो सभी किंगडम से हर एक बच्चे को उठा के ले आती है ताकि वो उन्हें हंट्समैन बना सके। लेकिन इसी दौरान कहानी हमें एरिक और सारा की दिखाई जाती है जो कि एक दूसरे से वो लोग प्यार करने लगते हैं जिसका बारे में पता लग जाता है रवीना क्वीन को जो कि इन दोनों को अलग करने की कोशिश करती है। लेकिन रवीना की एक बहन भी थी जो कि एक जादुई मिरर की वजह से इस पूरी दुनिया के अंदर कब्जा करना चाहती है। बस इतना इसके बाद की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। तो दोस्तों बढ़ते नंबर 7 मूवी की तरफ जिसका नाम है केटी। 2021 की बनी कमाल की एक्शन बेस्ड मूवी है जो कि आई थी 6.2 की रेटिंग के साथ। इस मूवी के अंदर कहानी हमें कैटी नाम की एक लड़की की देखने को मिलेगी जो कि दरअसल एक एसोसिएशन है यानी कि वो लड़की लोगों को टपकाने का काम करती है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब कैटी को किसी ने जहर दिया था और उसकी मौत 24 घंटों के अंदर होने वाली है जिसका बारे में कैटी को भी पता लग जाती है और वो निकल पड़ती है उन लोगों को मारने के लिए जिसने उसे जहर दिया था। तो मूवी काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन इस मूवी की बेस्ट बात ये है कि यार मूवी के अंदर कमाल की एक्शन चीजें देखने को मिलेगी। तो यार इतनी ज्यादा कमाल की मूवीज ढूंढ कर ले आता हूँ आप लोगों के लिए तो इसकी वजह से एक लाइक तो बनती है। तो बढ़ते नंबर 6 मूवी की तरफ जिसका नाम है टैड 2। 2015 की बनी कॉमेडी वाली फिल्म है जो कि आई थी 6.3 की रेटिंग के साथ। इस मूवी के अंदर कहानी टैड की देखने को मिलेगी जो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद उसके लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए टैड अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर एक प्लान तैयार करता है बेबी के लिए। अब इसके बाद ये दोनों मिलकर क्या क्या चीजें करते हैं इसके बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। काफी ज्यादा कमाल की फिल्म में आपको कुछ 18+ सीन्स भी देखने को मिलेगी। ओके तो चलिए बात करते हैं नंबर 5 मूवी की जिसका नाम है जुमांजी नेक्स्ट लेवल। 2019 को ये मूवी रिलीज हो चुकी है और इस मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिलेगी स्पेंसर और उसके दोस्तों की। स्पेंसर खुद को अकेला फील करने लगता है जिसकी वजह से वो उसी जुमांजी गेम को फिर से रिपेयर करके खेलना शुरू कर देता है। लेकिन जब स्पेंसर के दोस्तों को ये बात पता लगता है तो वो लोग भी उसी गेम के अंदर पहुंच जाते हैं। तो इस बार हमें ये देखने के इस गेम के अंदर कौन से नए चैलेंज निकल कर सामने आते हैं। काफी ज्यादा मस्त फिल्म है, यूट्यूब पर आपको फ्री देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मेरे वीडियोस को कभी भी मिस ना कर सको। तो चलिए इस लिस्ट को आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पर आती है पीटर रैबिट जो कि 2018 की बनी एक फैंटेसी कॉमेडी बेस्ड मूवी है। तो इस मूवी के अंदर कहानी आपको पीटर रैबिट और उसकी फैमिली की देखने को मिलेगी जो एक बुढ़े आदमी के एक बगीचे से हर दिन वेजिटेबल्स वगैरह चोरी करके खा लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब वही बुढ़ा आदमी एक दिन टपक जाता है और इसके बाद उसी घर पर रहने के लिए आता है उसी बुढ़े आदमी का ग्रैंडसन जो कि एनिमल से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। तो इसके बाद की कमाल की स्टोरी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी की दोनों ही पार्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखी है। तो चलिए बात करते हैं नंबर 3 मूवी की जिसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैन्स चेस्ट। 2006 की बनी कमाल की एडवेंचर जर्नी बेस्ड मूवी है जो कि आई थी 7.3 की रेटिंग के साथ। तो इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी कैप्टन जैक स्पैरो की
जिसे डेविड जोन्स की हार्ट के बारे में पता लग जाता है और वो किसी भी कीमत पर उसी खजाने को हासिल करना चाहता है। लेकिन जैक स्पैरो की इस प्लान की खबर लग जाती है डेविड जोन को और वो उसे मारना चाहता है। तो इसके बाद की कहानी क्या होती है ये जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को जरूर देख सकते हैं। तो बढ़ते दोस्तों नंबर सेकंड मूवी की तरफ, जिसका नाम द हॉबिट। 2012 की बनी फैंटेसी एडवेंचर और मैजिकल बेस्ड मूवी है, जो कि आई थी 7.8 की रेटिंग के साथ। इस मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिली है बिल्बो बैगेंस नाम की एक हॉबिट की। इस लड़की की जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब इसी लड़के के पास एक जादूगर आता है और उसे ना चाहते हुए भी कुछ लोगों के साथ एक कमाल की जर्नी पर भेज देता है। और वो सभी लोग किसी एक जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पर बहुत सारे खजाने मौजूद हैं। बट ये थी मूवी की सिर्फ 10 से 5% स्टोरी, और असली स्टोरी जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 मूवी के बारे में, जिसका नाम है डेंगो अनचर्ट। 2012 की बनी एक वेस्टर्न ड्रामा फिल्म है, जो कि आई थी 8.4 की रेटिंग के साथ। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। बीच बीच में आपको कुछ थ्रिलर चीज़ें, एक्शन चीज़ें और सस्पेंस चीज़ें भी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसे ज़रूर देख सकते हैं। तो आज के इस लिस्ट को यहीं पर हम खत्म करते हैं, लेकिन रुको यार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना। तो इस लिस्ट को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे इस नेक्स्ट वीडियो पर।